तो दोस्तों आ गई है साल की सबसे बड़ी दो सेल्स, जिसका नाम है एक बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट की तरफ से और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़न की तरफ से। दोनों ही सेल्स में आपको धमाकेदार डील्स मिलने वाली हैं और आप में से काफी सारे लोग स्मार्टफोन के शौकीन हैं, और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो डेफिनेटली आप एक आईफोन या तो ओन कर रहे हो, अपग्रेड करना चाहते हो, या आप एक आईफोन परचेज करना चाहते हो काफी सस्ते दामों में। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आईफोन सस्ते में परचेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स होने वाले हैं कम प्राइस वाले, और कौन सा स्मार्टफोन आईफोन 12, 13 मिनी वगैरह वगैरह जो डिवाइसेस आते हैं आईफोन की तरफ से, कौन सा स्मार्टफोन कहां पर आपको सस्ता मिलेगा, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करें, मैं रजत, रजत टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहली डील आती है वो है Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की तरफ से, और वो आपको मिलती है iPhone 12 पर। और iPhone 12 जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सेल में सुनने में मेरा जहाँ तक आ रहा है ये आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप चेकआउट करेंगे तो वेबसाइट पे इनकी लिखा हुआ है 3XXX करके ऐसा लिखा हुआ है, और क्योंकि अब iPhones इंडिया मेड होने लगे हैं, इंडिया में बनने लगे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल सकता है, स्पेशली iPhone 14 सीरीज क्योंकि लॉन्च हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी डील्स पे, जो कि सारी की सारी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। दोस्तों जैसे कि MS धोनी इस एड में बोल रहे हैं, स्टाइल कमाल और फोन का ये हाल, नया फोन लेंगे बाद में कभी, बजट जरा टाइट है अभी। अब और एडजस्ट नहीं, सिर्फ अपग्रेड होगा, क्योंकि बिग बिलियन डेज आर बैक। अपग्रेड करेगा इंडिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे सेल्स में मुझे चीजें देखने को मिल रही हैं, इस वीडियो में तो हम स्पेशली आईफोन की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ जॉ ड्रॉपिंग डील्स देखने को मिलेंगी। और स्पेशली अगर आप देखें तो दोस्तों आपको 49 से लेके 51 के अराउंड प्राइस होवर हो रहे हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स निकल के आ रहे हैं, और जहां तक आप कंफर्म भी मान सकते हैं कि 49 या उसके भी कुछ आसपास आपको डिस्काउंट लगाकर सस्ता मिल सकता है iPhone 13। जी हाँ दोस्तों, जो 70,000 के आसपास लॉन्च हुआ था iPhone 13, काफ़ी अच्छा मॉडल था, आपको सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, फोकसिंग काफ़ी अच्छी है, बेस वेरिएंट ही 128 GB का है, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक रहा है पिछले वाले iPhone 12 में, स्पेशली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं iPhone 12 से ही बना रहा हूँ, और मुझे भी स्टोरेज की काफ़ी कमी लगती है। iPhone 13 काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है, अगर आपके पास भी मेरी तरह iPhone 12 है तो मैं भी सोच रहा हूँ iPhone 12 से 13 में अपग्रेड करने की, देखते हैं क्या ऑफर मिलते हैं। और आपको एक सीक्रेट टिप दूंगा, अगर आप भी iPhone 12 चला रहे हो तो आप OLX या किसी अपनी सेकेंड हैंड वेबसाइट पे जरूर देखें, जिसमें सेकेंड हैंड डिवाइस बिक जाता है, क्या पता आपको एक अच्छी डील मिल जाए और आपको अपग्रेड करने का बहुत ही सुनहरा मौका मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली डील पर। ये तो हो गई धमाकेदार डील iPhone 13 की, जो कि इनसेन है 49,000 में अगर आपको अवेलेबल है। और दोस्तों अगर आप एक्सिस का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फ्लिपकार्ट का भी एक्सिस क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आपको काफी अच्छी डील और मिल जाएगी। 49,000 का अगर आप मान के चले आईफोन 13 अवेलेबल होता है, तो उसमें आपको 10% का फ्लैट ऑफ देखने को मिल जाएगा इंस्टेंट ऑफ एक्सिस के कार्ड पे। और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5+8% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली डील की तरफ, और मुझे बताते हुए भी काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये आईफोन उस समय इतना महंगा लॉन्च हुआ था और आज के टाइम में इसकी बिल्कुल कीमत इतनी गिर चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन 11 2-990 लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप मान के चल सकते हैं ये 30,000 से अंडर तो आप देख ही रहे हैं, 25,000 के आसपास भी अगर आपको अवेलेबल हो गया तो दोस्तों ये तो किलर डील है। अगर आप सिर्फ एक वीडियो कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, जैसे मेरी तरह वीडियोज़ बनाते हैं, या आपको फोटोग्राफी का शौक है, आईफोन यूज़ करना है, 5G से आपको कोई मतलब नहीं है, तो iPhone 11 बहुत ही बढ़िया डील है दोस्तों, इस प्राइस में तो किलर डील है बिल्कुल, तो मैं क्या ही बोलूं दोस्तों। और नीचे अगर आप iPhone 12 का थोड़ा बजट टाइट है आपका, हालांकि मुझे नहीं लगता अब आपको कोई छोटा फ़ोन लेना चाहिए, अगर iPhone 12 आपको जैसा कि मैंने बताया Amazon पे इतना सस्ता मिल रहा है, 30 के आसपास मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर iPhone 12 मिनी फ्लिपकार्ट पे ऑफर कर रहा है 30 समथिंग में, तो हो सकता है ये भी 35-30 के अराउंड मिल जाए। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये रहेगा, अगर आपको छोटा फ़ोन चाहिए तो ही 12 मिनी की तरफ जाएगा, और आप उन लोगों में से जिनको आईफोन के प्रो वर्जन्स चाहिए, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, तो आपके लिए अब काफ़ी अच्छी डील्स निकल कर आ गई हैं, क्योंकि आप अपनी किडनी का कुछ पोर्शन बचा सकते हैं। अब आप देखना चाहें तो करेंटली ये आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है ये 129,130,000 के आसपास अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, जो कि आपको बड़े आराम से काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा
ताकि आप रिलेट कर पाएं। दोस्तों आईफोन 13 प्रो आपको 1 लाख के अंडर देखने को मिलेगा, जो 1.29 का था, मतलब 30,000 का सीधा डिस्काउंट। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं 13 प्रो की, तो ये आपको 90 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो 25-30 हज़ार का अच्छा डिस्काउंट है। अगर आपके पास इतने बजट है एक आईफोन परचेज करने के लिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए एक प्रो वर्जन वाला आईफोन लेने के लिए। जाते हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इन डील्स के अलावा भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं इन आईफोन्स पे। वो ऐसे अगर आपके पास एक्सेस का कार्ड है तो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। एंड आप SBI का क्रेडिट कार्ड ओन करते हैं तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा Amazon पे परचेजिंग पे। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूंगा, इसके अलावा भी एक्सचेंज बोनस के भी ऑफर है। अगर आपके पास कोई करंट फोन है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू के अलावा आपको एक्सचेंज बोनस किसी पे 3,000, किसी पे 5,000, डिपेंडिंग ऑन द ऑफर उस टाइम जो अवेलेबल होगा, देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक सीक्रेट टिप बताना चाहूंगा, अगर आपको इनमें से कोई फोन परचेज करना हो तो सेल लाइव होते ही तुरंत आप विशलिस्ट अपना कर लें पहले ही, और बाई का लिंक तुरंत क्लिक कर दें, ताकि आपको फोन जो है काफी सस्ते दाम मिल जाए। पिछली डील में दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया था, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था यूनिट्स कम हो रहे थे और डील्स के जो रेट्स थे वो सिग्निफिकेंटली अप होते चले जा रहे थे। तो अगर आपको भी आईफोन्स मिनिमम प्राइस पे चाहिए तो आपको विशलिस्ट पहले से करना पड़ेगा और डील्स में जल्द से जल्दी पार्टिसिपेट करें, ताकि आप आईफोन्स अच्छे दाम में ले पाए। बोनस एक्सचेंज और क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट, EMI डिस्काउंट अलग चल रहा है, वो देखना ना भूलें किसी भी साइट्स पे दोनों में से। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ऑफर्स के बारे में और जानना है SBI और एक्सिस कार्ड के, कि आपको कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके भी लाके दे दूंगा आपको, क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी फर्जी पनासा मार रखा है दोनों ही वेबसाइट ने। तो दोस्तों इसी नोट पे इस आईफोन की वीडियोस को एंड करते हैं। आई होप आपको अपने स्मार्टफोन्स, अपने आईफोन्स अच्छे प्राइस में देखने को मिल जाएंगे और आप भी एक अच्छा कैमरा फोन जो है इस्तेमाल कर सकेंगे, स्पेशली जो एप्पल का लोगो होता है उसको फ्लॉन्ट कर सकेंगे आप में से जो करना चाहता है। दोस्तों इसी नोट पे मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड करते हैं इस वीडियो को। आपको आपके कोई सुझाव हो, वीडियो किसी वजह से पसंद आई हो, तो प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन के साथ, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आप लोगों के सपोर्ट से ये जर्नी काफी आसान हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।